मॉर्निंग दोस्तों। भाई अभी उठा हूँ और टाइम तो पता नहीं क्या हो रहा है, सब पूरा हाल है। देखिए टाइम हाँ 7 बज रहे हैं, सुबह सुबह गए। और भाई सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर का देखो क्या ही नज़ारा है, बहुत बढ़िया वाला। और ये जी अपनी गाड़ी बर्फ में दबगी भाई। ओ भाई साहब क्या नजारा है भाई, क्या ही नजारा है। उइशाश भाई, अल्टीमेट मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन व्यू यार ये। तेरी तो ओ तेरी तो क्या देखो, सूरज पड़ रहा है सामने भाई, वो सूरज की रोशनी पड़ रही है सामने और वो लाल दिख रहा है बिल्कुल। सूरज पहाड़ जो है यहाँ से सूरज निकल रहा है सामने से, कहीं से पता नहीं, शायद यहीं कहीं से निकल रहा होगा, आई डोंट नो, दिख नहीं रहा कहीं पे। लेकिन भाई पूरा रेडी हो रहा है वो, और नजारे देखो आप। वहाँ पे नीचे नदी बह रही है, वो जम रखी है ऑल दो, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी बह रही है। और गाड़ी में अकेले सिर्फ हमारी गाड़ी है इस पूरे होटल में, गेस्ट हाउस में, जो भी आप मर्जी बोल लो। और भाई साइड तो भाई क्या ही नजारा है भाई, वाह स्पीचलेस। इससे ज्यादा और क्या लोगे यार, इससे ज्यादा दिन की शुरुआत ऐसी हो जाए और क्या चाहिए, उससे ज्यादा क्या ही लोगे। इतनी खूबसूरत जगह है यार भाई, प्लीज कम से कम इस व्यू के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। मैं चाहता हूँ यार 1000 सब्सक्राइबर अभी के अभी हो जाए, अभी के अभी, क्या ही ये जन्नत, जन्नत से कम नहीं भाई, जन्नत से कम नहीं भाई। सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ यार, जो हम फील कर रहे थे तो यकीन नहीं मानोगे। कल ना हालत बहुत ख़राब हो गई थी, रात को कुछ 22-25 के आसपास चला गया था रात टेम्परेचर, अभी भी माइनस कुछ 14-15 तो अभी भी है। पर अभी गाड़ी पता नहीं कैसे निकली, स्टार्ट होगी नहीं होगी पता नहीं, बट इट्स ओके, देखते हैं सूरज निकलेगा तो। लेकिन भाई मज़ा आ गया फाइनली भाई, सूर्यदेव के दर्शन हो गए। और भाई खड़ी अपनी गाड़ी, इस पर धूप पड़ेगी तो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर होगा। और ये अपना दोस्त सुबह सुबह, इसको बिस्किट दिए मैंने, बिस्किट खाओ भाई। और यहाँ पे बहुत डेंजर कुत्ते हैं भाई, यहाँ पे मोटे। और भाई साहब ये देखो धूप में आनंद, ओए होए होए पहाड़, क्या ही नज़ारे लोगे भाई, इससे ज़्यादा मुझसे क्या नज़ारे, बहुत बढ़िया। हाथ कट रहे हैं, हाथ ना वो नहीं हो रहे बिल्कुल, सर्दी में ना हवा चल रही है ना तो बिल्कुल दर्द हो रहा हाथों में। अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। ये 2 बाल्टी देना भैया पानी, ठीक है? हाँ जी सर, 1 बाल्टी गर्म कर दिया है। 1 बाल्टी इस वाले कमरे में दिया, अभी नहीं दिए थे और एक पे बैठा दिया गर्म पानी, उसमें वो सामने वाले में दे देना भैया आप दो को, तब जाके बाथरूम में जाया जाएगा ना, पानी जमा हुआ भाई बाथरूम में कैसे जाओगे। थोड़ा तो भैया की हेल्प लेंगे ना पानी मिलने में, पानी मिलेगा तब जाके बाथरूम में जाएंगे फ्रेश होने के लिए, उससे पहले चांस ही नहीं है भाई। देखो भाई गाड़ी पे धीरे धीरे धूप पड़ेगी ना, गाड़ी थोड़ी नॉर्मल होगी, लेकिन जैसे धूप पड़ेगी ना बर्फ ना, ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बाहर निकालना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाई मैं तो नज़ारे का कायल हूँ भाई, क्या ही नज़ारे हैं सीरियसली, बहुत खूबसूरत यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। रुद्र बता रहा था द ट्रिपर जो है मेरा दोस्त, वो मुझसे पहले आके चला गया। ओए होए 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 क्या नज़ारे हैं भाई इधर कातिल। और ये छोटा सा गांव है चितकुल भाई, छोटा सा गांव है, मैक्सिमम लोगों के घर बंद हैं, दुकानें बंद हैं, गेस्ट हाउसेज बंद हैं, इस टाइम पे कुछ सुविधाएँ नहीं है, इक्का दुक्का कुछ छोटी मोटी दुकानें खुली हैं, खाने के लिए भी सब जगह नहीं मिलेगा आपको, कुछ ही जगह हैं जहाँ मिलेगा। और भाई ये पूरा स्नो लैंड, और ये आखिरी गाँव है तो ये लगा लो कि इसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है, तो यहाँ पे इसलिए नेटवर्क भी आपको बहुत कम मिलेगा। एक जियो का नेटवर्क यहाँ पे मिल रहा है और BSNL का मिलेगा, लेकिन पोस्टपेड होने चाहिए, प्रीपेड होगा तो वो भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर खड़ा हो रहा हूँ भाई, हाथ देख रहे हो बंद नहीं हो रहे हाथ, हाय 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 भाई अपने धन्नो, बहुत मेहनत की इसने कल,
तुम्हें ना वो दिखाता हूँ भाई कैसे लगाते हैं हम लोग नहाने के लिए, वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए क्या यूज करते हैं, पानी वो दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, समझ नहीं आ रहा होगा ना, देखो बर्फ नहीं दिखा, बर्फ नहीं दिखी, ये देखो, ये देखो बर्फ, ये बर्फ, ये ये इससे आपको फ्रेश होना है, ये भी मिल गया तो गनीमत है, ठीक है। अभी समझिया, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं भाई, ये बर्फ, ये बर्फ, इससे आप फ्रेश हो जाओगे, देख रहे हो, मतलब समझ लो आप क्या हालत है समझ रहे हो क्या झेलना पड़ता है भाई, इतना आसान नहीं झेलना भाई, किस्मत मानो कि लोहे का तो है नहीं, अपने ही है करते हैं कुछ प्रोग्राम भाई। तो भाई हम हो गए रेडी, सामान तो कुछ छोटा नहीं है ना, सामान तो सब रेडी कर लिया, पैक हो गया सब सामान, सामान तो ये बैग तो लेके नीचे, अब जाके गाड़ी स्टार्ट कर देखते हैं, चलते हैं नीचे फटाफट, इनके रूम में तो कुछ नहीं बचा, कहीं बलती से रह गया कुछ, नहीं इनके रूम में कुछ नहीं है, चलो भाई और चलते हैं। सीढ़ियाँ ठंड बहुत है लेकिन बाहर आए एक बार, मैंने जैकेट भी पहने नहीं है, नीचे जाके पहनूंगा, मैं वो भूल गया यहाँ तक गले ही पहनते ना, जिसे यहाँ तक कवर हो जाता है, तो कहीं रास्ते में लेना पड़ेगा एक बार, देखते हैं फिर अगर यहाँ से सीधा कल्पा कहाँ से जाएंगे सीधा। अरे वो छोटा दोस्त क्या ले रहे हो, अरे भैया हाँ इनका गेस्ट हाउस है यहाँ पे, वो तेरी पानी चल रहा है पूरा, वो कहाँ गए पता नहीं सर, अभी ये तो ये अपनी थाली की। अच्छा चलो आपके गेस्ट हाउस का नाम बताओ भैया। समर रेस्टोरेंट, समर रिसोर्ट, कब से कब तक तो खुला रहता है, पूरे साल भी खुला रहता है, क्या नंबर है अगर किसको आना हो तो, नंबर बताओ। मेरा नंबर हाँ 6290 6290 164368 164368। बढ़िया भाई, जरूर है ना, हॉस्पिटलिटी बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत प्यारा है, बहुत हम्बल है, प्यार के साथ साथ। बाकी लोंडे कहाँ चले गए, वो छोड़ के हमें गाड़ी बंद करके चाबी लेते हैं इनके पास, तो बात करता हूँ उनसे पहले। भाई देखो बर्फ ही बर्फ चारों साइड, और अब यहाँ से जाते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा घूम फिर के आते हैं एक बार, और वो रेन और दोनों दोस्त हमारे, भयंकर ठंड लग रही है भाई, बढ़िया वाली कंपटी सन्ना आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल सन्ना लगी है। ओ सूरज ये देखो, आप नदी में जाके आ गए, आप लोग नदी में जाए, हाँ तुमने लगा ली डुबकी है भाई, रास्ता नहीं है, अच्छा देख कर आता हूँ थोड़ा सा, और एक बार चलते हैं थोड़ा सा देख कर आते हैं, भाई तो बोले रास्ता नहीं है, लेकिन हम तो रास्ता बना ही लेंगे ना, हमें तो रास्ता बनाने की आदत है। भाई पूरा पानी है ना, देखो नीचे ये पूरा पानी हो गया नीचे बह रहा है, मैंने वाटर प्रूफ उसे भी नहीं पहन रखे अभी, भाई साहब क्या किया जाए, कमाल तो पूरा पानी हो रखा यार यहाँ पे, जाए तो जाए कैसे। चितकुल कैफे डिलाइट टू सर्व, ये देख रहे हो पूरा का पूरा पानी है इसमें तो यार, जाए नहीं जाएगा शायद, आगे देखेंगे कहीं पे क्या करें, बाकी अपना नज़ारा देख लो, ये पूरी बर्फबारी भाई, स्नोफॉल और बर्फ के पहाड़, जिस चीज़ के लिए हम आते हैं यहाँ पे वो यही है। और अभी अंदर पानी बह रहा है पूरा, यही आगे जाके भाई नदी में मिल जाता है, और करारी ठंड हो जाती है, ठंडा हो जाता है पानी करारा बिल्कुल। अब चलते हैं, चलो यार वापस ही चलते हैं, रास्ते में रोक के देखेंगे कहीं पे और नज़ारे कुछ दिखेंगे तो। ये काम खराब हो गया है, अरे कोई काम खराब नहीं, स्नो चैन लगाए थे ना उसके चक्कर में, कुछ ना कुछ तो हटाया नीचे से, जिसकी वजह से असल में क्या है बताऊं, ब्रेक नहीं लग रही है, ब्रेक ऑलमोस्ट फेल जैसी कंडीशन हो गई थी। अच्छा, नहीं नहीं मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि हाँ देखो यहाँ ब्रेक मार रहा हूँ तो नहीं लग रही, देख रहे हो अब फुल ब्रेक मार रखा है मैंने,
बिल्कुल नहीं लग रहा, मतलब फुल ब्रेक मार रखा मैंने, ये प्रेशर ही नहीं बन रहा। उसका जो किट होती है जो उसकी, उसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है या उसका कुछ हट गया है तार वार, आई डोंट नो टेक्निकली कैसे उसे। नीचे जाकर सांगला में देखते हैं भाई, कुछ मैकेनिक मिलता है तो, नहीं तो ट्रोजन करा के रिकॉन्ग पे ले जाएंगे भाई, क्योंकि रिकॉन्ग भी अगर तो बिना ब्रेक के नहीं जा सकती, 70-80 किलोमीटर है। नहीं सांगला में अपन रुकेंगे, चाय पीते हैं जितनी देर में हो सकता है, ये अगर कोई मोमेंट्री कुछ हो तो सही हो जाए। हाँ हो सकता है सही हो जाए। हाँ वार्निंग लाइट भी कोई नहीं जल रही, इसीलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी से लोड आया हो उसके, वो जैसे ही अपन थोड़ी देर उसको रोकेंगे ना, रेस्ट देंगे तो हो सकता है ठीक हो जाए। चलो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, दिस इज व्हाट वी कैन डू। भाई हुआ क्या है कि जब हम होटल में खड़े थे ना, उस टाइम पे गाड़ी स्किड कर रही थी, निकल नहीं रही थी होटल से वापस ऊपर की तरफ, तो वहीं पे ना हमें मजबूरी में स्नो चेन लगानी पड़ी दोबारा, जो कि रात को खोल दी थी मैंने जाने के बाद, क्योंकि रात को स्नोफॉल हुआ तो पूरा जो रास्ता था पूरे में बर्फ जम गई और सब में ना ब्लैक आइज हो गई। तो वहाँ पर जब हमने स्नो चेन लगाई तो हुआ क्या कि स्नो चेन थोड़ी ढीली रह गई अंदर की साइड से, क्योंकि पहली बार स्नो चेन लगाई थी तो आइडिया भी नहीं था। अब हुआ क्या उससे, क्योंकि एक तो बर्फ पड़ी हुई थी, ऊपर से सर्दी इतनी थी कि हमें पता नहीं लगा कि स्नो चेन अंदर से टाइट नहीं हुई ढंग से, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे थे ना अंदर होटल से मेन रोड की तरफ, तो अचानक कट कट के बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। जैसे हम ऊपर पहुंचे तो हमें पता लगा कि यार कुछ तो दिक्कत है, अभी कुछ टायर ने मतलब घूमना बंद कर दिया और ब्रेक लगने दी। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर रुकी, बिकॉज थोड़ी सी चढ़ाई थी, तो जैसे ही वहाँ पे रुके ना तो हमने जाके देखा कि यार ये अपना जो ये है ना, नीचे उतर के देखा तो पता लगा कि यार उसके अंदर ना कुछ तो हटा है, वहाँ से भी कुछ वायरें निकल गई थी बाहर की तरफ, कुछ अलग से ना ऑयल भी गिर रहा था नीचे। तो हमें ये तो पता था कुछ तो गड़बड़ हुई, बट गड़बड़ एक्चुअली में क्या थी ये हमें पता नहीं था, बिकॉज हम मैकेनिक तो है नहीं बिल्कुल भी। तो हमने भैया वहाँ पर ये हाल था वहाँ पर चितपुल में उस टाइम पर कि भैया हमें ना ये तक नहीं पता था कि यहाँ पे हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमने वहाँ पे लोकली जब सबको चेक किया तो हमें कोई सपोर्ट नहीं था। अब क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन थी तो हमने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा, क्योंकि सब पैनिक थे उस टाइम पे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था आगे जाना स्थिति था, अब समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या, बिकॉज कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ से हम टोचन भी करा सकें गाड़ी को। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थे कि वहाँ पे या तो गाड़ी खड़ी छोड़ दें और वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएँ, और दूसरा ऑप्शन था कि इसी कंडीशन में गाड़ी को एटलीस्ट सांगला तक लेके जाएं, क्योंकि सांगला में यहाँ का बड़ा मार्केट पड़ता है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलने की उम्मीद है। तो हमने फाइनली डिसाइड, जब म्यूचुअली जब बैठ के बात करें तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यार यहाँ से ना गाड़ी को लेके जाएंगे सांगला तक, और उसके बाद देखेंगे वहाँ जाके अगर कुछ हेल्पिंग हैंड मिलता है कहीं पे, तो वहाँ पे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि दिक्कत है क्या क्या नहीं। सो हमने अगर आप ध्यान से देखो ना तो गाड़ी इस टाइम पे सिर्फ फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर में चल रही है, बिकॉज वही एक तरीका है ऐसे टाइम पे गाड़ी चलाने का, और ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो हैंड ब्रेक ना बस 2% काम कर रहा था, वो भी अगर रोड है तो, ब्रेक में तो वो भी काम नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल अगर आप देखो तो स्पीड गाड़ी की बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग, बहुत स्लोली चल रहे हैं। लेकिन भाई मैं ये बहुत साफ बता देता हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो, कोई हीरोबंदी नहीं करना, हम तो फंस गए थे इसलिए हमने ऐसा किया। प्लीज़ अगर आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप कोशिश करो गाड़ी को टोचन करवा लो, और अदरवाइज़ वहाँ पे वेट करो, यही तरीका है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी बहुत रिस्की मामला है, मतलब मैंने जब मैं वापस आया हूँ तो मैं सोच रहा था, इसलिए मैं एडिट कर रहा हूँ वॉइस, जो एक्चुअल वॉइस है उसकी जगह मैं सिर्फ इसलिए एडिट कर रहा था कि मैं समझा सकूँ कि हाँ यार जब वापस आया तो मुझे समझ में आया कि यार मैंने क्या बेवकूफ़ी करी है, ये बहुत हाई रिस्क वाला काम था, और भाई बिल्कुल फटी पड़ी थी हम लोगों की इस टाइम पे। प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि ये देखिए कि हाँ मैं अपना दिमाग लगा लूँ, भाई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, बिकॉज लेफ्ट साइड में पूरी खाई है, सामने ब्लैक आइज है, पूरी बर्फ़ लगी हुई है सामने, और गाड़ी अपना फिल रही है, कहीं रुकी नहीं रही है गाड़ी, कहीं पे ब्रेक नहीं लगी हमारी गाड़ी की। सो आप आगे वीडियो देखो, मैंने अनएडिटेड वीडियो को डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हुआ क्या है पूरी उसमें कहानी में, मैं कोई बीच में काटापिटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि हम किस स्थिति से गुजरे थे वहाँ पर।
स्लो और स्लो घूम जाएगी गाड़ी, ब्रेक मार दे तो यहाँ पे यही वाली जगह थी वो पानी वाली। इंजन भी जा रही है, ब्रेक तो है ही नहीं, मतलब मारूंगा भी क्या बैठ गया। तो बस दिमाग का और गाड़ी की अब भगवान जी की कृपा, यही भरोसे है बस। दूर है ना, 10 किलोमीटर है। हाँ 10 किलोमीटर तो है। हो गए 3 तो यार, जो भी हो गए देख लो तुम। अच्छा अच्छा वो है रक्षा में यार, रक्षा में नजदीक, और रक्षा में घंटा ही नहीं कुछ ना, कोई घंटा नहीं। रक्षा में तो हमने रुके खाना वाना खाया था वो यार। ना ना वो सांगला था। अच्छा वो सांगला था, तो धीरे धीरे चलते हैं। रक्षा से आगे तो वैसे भी नॉर्मल रोड है, बर्फ तो है नहीं। रक्षा तो की दिक्कत है बहन की, जो गान पाठ है वो रक्षा तो की है, बाकी तो प्रभु जी की दया से सब नॉर्मली। एक आईटीबीपी कैंप के पास है जहाँ पे फटे फट सकती है। करछम 37 किलोमीटर, सांगला 20, हमें 1 किलोमीटर ही है तब से, उस जगह से भी एक ही आए हैं, बाकी अपन वहाँ से तो आ गए होंगे करीब 3-4 किलोमीटर आ गए। भाई साहब क्या ही बर्फ गिरी हुई है भाई, रात को बर्फ गिरी है। रात को भी अच्छी खासी बर्फ गिरी है, जो छोटे छोटे बूंदे गिर रही थी ना, असल में अल्टीमेटली तो काफी हो जाती है ना। सही रात गिरती है तो करेक्ट। ब्रेक लग नहीं रही है भाई।
बिल्कुल जीरो है, ब्रेक के नाम पे बिल्कुल जीरो है इस टाइम पे। और भी मतलब खत्म हो गया क्या? नहीं, वो झटके वाला तो लग रहा है, वो मैं लगा नहीं रहा अभी, लेकिन वो भी मतलब कितना ही क्या करेगा, मतलब बीच में लगा के देखो तो एक दो बार थोड़ा बहुत एंगेज हो रहा है, तो स्किट मार देनी चाहिए पूरा हैंडब्रेक खींचने के बाद। तो कोई बात नहीं, प्रभु जी का नाम लेके चलते रहते हैं सांगला तक, वहां पहुंच के दिखाते हैं। Careful, one of the doors is open. Please check. दरवाजे खोल दे भाई। नहीं, मैं सोच रहा था उतर के पत्थर डालूंगा मैं पकड़। एक मिनट पीछे जाने दो, थोड़ा स्पीड में आने दो। नहीं आएगी स्पीड से। नहीं नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। नहीं 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 आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। रुको, एक बार अगर चढ़ गई ना, वो असल में आखिर में अपने को आइडिया नहीं था कि कितना है, इसे एक बार में चली जाएगी। अभी हम लोग बर्फ में ही है, और पीछे भाई बस बस इस तरफ। नहीं नहीं, वो सर घूम नहीं रहा टायर पहले हो जाए। रुको, पहले कितनी दूर है ये तो समझ में आना चाहिए। क्या कितनी दूर है ये? एक मोड़ ही यही है। आगे नहीं बढ़ रही, आगे बढ़ाओ दरवाजा हम करना भाई, पर आगे बढ़ाओ। रुको रुको रुको, धक्का लगाते हैं। नहीं नहीं, रुको 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 यार, धक्का लगाते हैं। आप उसी नीचे करो, उधर आओ, पीछे पीछे। रुक जा यार, रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई। एक बार और पहुंच रही है ना, रुको एक मिनट। हाँ चल, ले जा ले जा ले जा, थोड़ी स्पीड में ले जा, स्पीड दे रखी, उसके बाद ही हाल है। धक्का तो धक्का 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 धक्का, देखो देखो सीधा लेना, सीधा रखो सीधा रखो, सीधा रखो, सीधा। काटो मत, काटो इधर, और दो टुकड़े लाने दो उसको। बच गई बहन, जो दे दो, जो कोई और आ जाए ना गाड़ी, दो चार लोग मिलके लगा मैम। क्या करूं, छोड़ूं ब्रेक? किधर लेके जाना है? मैं तो क्योंकि मैं तो बीच में कर लूं तो दिख रहा है, इधर बिल्कुल नीचे है ना, इस तरफ इधर नीचे जा रही है ना, ऐसे थोड़ा ब्रेक पे रखो, ब्रेक ब्रेक तो रखा हुआ है मैंने, इतना ही ब्रेक छोड़ दे ये पे। वो दो आदमी के धक्के से तो नहीं निकलने, नहीं निकलेगी, वो पत्थर हो गया देखो अचानक। किसी गाड़ी वाले का हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ रोक देता हूँ, रुकेगी क्या? रुक तो गई, पत्थर लगाओ, चलो छोड़ो, बंद कर दो। भाई गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, रुक नहीं रही गाड़ी, देखते हैं क्या करेंगे। बताओ पत्थर लगा दिया आपने? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बढ़ रही है या नहीं है? क्या यहाँ से बढ़ रही है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाग रही है, एक तरफ मत छेड़ रहे हैं तो। सुनो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कच्चे से निकालता, कौन से कच्चे से? इसमें कच्चे में से निकालता है, ये तो एकदम चमक रहा है ये जो नीचे।